नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2018 का DFCCIL का एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन था, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो उसका आंसर होगा मेगर से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो पहले हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम मेगर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो इधर जो वायर है ये कॉपर का वायर है। कॉपर का वायर के ऊपर ये जो हमारा इंसुलेशन है, मीन्स ये ब्लू कलर, ये येलो कलर और ग्रीन कलर है, ये इंसुलेशन होते हैं। इसी इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो कौन सा वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है वो कौन मेजर करता है, ना वो हमारा मेगर मेजर करता है। तो ये जो मेगर होता है इसका दो टर्मिनल होता है, देखो ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल। दोनों टर्मिनल के बीच जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना होगा उसको हम ये दोनों टर्मिनल के बीच में कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ये मेगर का जो हैंडल है इसको हम घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगा, ना इधर स्केल है, इस स्केल में पॉइंटर है, वो पॉइंटर हमें शो करेगा कि इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है। ऐसे ही हम मेगर से मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करते हैं। उसके बाद देखो, जब हम किसी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं मेगर से, तो कनेक्शन कैसे करते हैं। ये केबल है, ये मेगर है, केबल का ये वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर ये हमारा एक इंसुलेशन है, उसके ऊपर ये और एक इंसुलेशन है, यह मेगर है। मेगर का ये एल पॉइंट हम इस वायर के साथ कनेक्शन करेंगे जिस वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा पॉइंट ई पॉइंट हम इस केबल के साथ कनेक्शन करेंगे। उसके बाद इस हैंडल को हम घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगा, इधर जो स्केल के ऊपर जो पॉइंटर है वो पॉइंटर हमें शो करेगा इस केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है। तो ये जो मेगर है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये काम कैसे करता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो हमारा मेगर है इसका वो हैंडल है, ये एक डीसी जनरेटर है, ये मैग्नेट का है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें दो कोयल भी है, कोयल ए कोयल बी। कोयल ए जो होता है वो हमारा प्रेशर कोयल होता है, और कोयल बी जो होता है वो करंट कोयल होता है, और दो पॉइंट भी है, एक्स पॉइंट वाई पॉइंट। जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना होता है उसको हम एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच में कनेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद इधर देखो एक स्केल भी है, ये उसका जीरो वैल्यू, ये इसका इन्फानाइट वैल्यू, ये पॉइंटर है जिस इसका रेजिस्टेंस जितना होगा ये पॉइंटर हमें इस स्केल के ऊपर शो करेगा कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। देखो कैसे मेजर करता है, मान लो हम जिसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम एक्स और वाई पॉइंट के बीच में कनेक्शन करते हैं, उसके बाद इस हैंडल को हम घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगा, ये जो डीसी जनरेटर है ये 500 से लेकर 1500 वोल्ट तक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। देखो जब हम घुमाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, इस करंट ये कुछ करंट इधर आएगा और कुछ करंट इधर आएगा। तो इधर जो करंट आएगा वो प्रेशर कॉइल को आएगा, प्रेशर कॉइल में क्या होगा ना, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो करंट इस रूट में आएगा वो इस तरफ आकर इस रूट में जाकर इस करंट कॉइल में पहुंचेगा। यहाँ पर क्या होगा, इधर भी कॉइल है, मीन्स इधर भी करंट में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो प्रेशर कॉइल का फ्लक्स और ये हमारा करंट कॉइल का फ्लक्स आपस में क्या होगा ना, इंटरेक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्सेस निकलेगा, वो फोर्स क्या करेगा ना, ये पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा इस स्केल के ऊपर। इसका रेजिस्टेंस जितना होगा ये जो पॉइंटर है वो इस स्केल के ऊपर सौ करेगा, उसका वैल्यू सौ करेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। उसके साथ देखो और एक क्वेश्चन होता है, जब हाई रेजिस्टेंस हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ना वो भी हम मेगर से मेजर करते हैं। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी हम मेगर से यूज करते हैं और हाई रेजिस्टेंस भी हम मेगर से मेजर करते हैं। उसके साथ और एक क्वेश्चन होता है, देखो जो हमारा एमीटर होता है या वोल्ट मीटर होता है उसमें क्या होता है, जब वो यूज नहीं हो रहा होगा, मेजरिंग नहीं करना होगा, नहीं करता रहा होगा, तब क्या होता है, वो नॉर्मली जिसका जो पॉइंटर होता है वो जीरो पॉइंट पर होता है, लेकिन जो मेगर होता है उसका वो नॉर्मली पॉइंट इन्फानाइट में होता है, जब मेजरिंग करता है वो इन्फानाइट से आता है। लेकिन जो एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं वो जब मेजर करते हैं वो पहले जीरो पे होते हैं, उसके बाद वो जब मेजरिंग वैल्यू के ऊपर पहुंचता है, लेकिन हमारा ये जो मेगर होता है वो पहले इन्फानाइट पे होता है उसके बाद मेजरिंग वैल्यू तक पहुँचता है। ये था आज का हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस और मेगर। थैंक यू, जय हिंद।